Wish you a very good morning, dear students. Dear students, this video is on the exercise of the lesson A Little Girl for class 9th. Dear students, we have already write down its summary. Now, in this video, today we are providing you the exercise of the book of the lesson according your book. So this video is going to be in slide form. You will watch the video and note down this exercise in your notebook. So watch the video carefully and write down the question answer accordingly. Your first question is, given below are some emotions that Kezia felt. Match the emotions in column A with the items in column B. कुछ emotions आपको दिए गए हैं और उनको match करना है आपने column B में. कॉलम ए में इमोशंस दिए गए हैं, उनको मैच करना है कॉलम बी में. तो ये आपका क्वेश्चन है और ये देखिए ये इसका आंसर है. अब नोट डाउन कीजिएगा वीडियो को पॉज करने के बाद. और ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन और टू सेंटेंस. फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, यानी चार क्वेश्चन इसमें हैं और इनके आंसर आपको नीचे प्रोवाइड किए गए हैं. आप वीडियो को देखते जाइए और इसके क्वेश्चन आंसर नोट कीजिए. दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस दिस क्वेश्चंस इन क्लास विथ योर टीचर एंड देन राइट डाउन योर आंसर इन टू और थ्री पैराग्राफ ईच. केजियाज एफर्ट्स to please her father resulted in displeasing him very much. How did this happen? There is a word please. Please का मतलब होता है खुश करना और इसका opposite है displease. Displease मतलब नाराज, यानी कि please माने खुश करना और displease माने नाराज कर देना. तो ये question है, ये इसका answer है. आप इसको आराम से कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके. ये आपका पूरा आंसर है, अच्छे से आप अपनी कॉपी में इसको करेंगे. और नेक्स्ट क्वेश्चन है, केजिया डिसाइड्स दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फादर्स. व्हाट काइंड ऑफ फादर वाज मिस्टर मैकडोनाल्ड एंड हाउ वाज He different from Kezia's father. See its answer. Next question is, how does Kezia begin to see her father as a human being who needs her sympathy? Its answer is, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज एन एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द सिनोनिम्स गिवन अबव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. क्लूज आर गिवन इन ब्रैकेट्स. तो ये आपने करना है, आपको क्लू ब्रैकेट में दिए गए हैं और ये आपका आंसर है नीचे. आराम से देखिएगा आप. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सेल्फ आपने करना है यहाँ से देख करके. और ये आपकी बुक के अनुसार आपका अगला क्वेश्चन है. और ये हमने इसका आंसर प्रोवाइड किया है आपको. ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है देखो, सम वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग आर गिवन इन द बॉक्स.
choose the appropriate verb and fill in the blanks in the following sentences. तो ये कुछ वर्ब दे रखी हैं जो रिपोर्टिंग वर्ब हैं. तो ये रिपोर्टिंग वर्ब हैं, ये किस तरह आपने करना है देखिएगा. पहला मैं आपको बता रहा हूँ, वर कंप्लेनिंग, साउटेड, रिप्लाइड, रिमार्क्ड, ऑर्डर्ड और सजेस्टेड. इसका क्वेश्चन है आई एम नॉट अफ्रेड द वुमन, और इसका आंसर है नीचे आई एम नॉट अफ्रेड रिप्लाइड द वुमन. तो ये आपने करना है. सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर योर क्वेश्चन आंसर ऑफ द लेसन द लिटिल गर्ल. सो दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे.